शहर में गुंडों के हौसले बुलंद, अब कर रहे हैं पुलिस की भी शिकायत। जी हाँ, जबलपुर के गढ़ा थाना में इन दिनों गुंडे के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वह पुलिस की भी शिकायत करने लगे हैं। एक तरफ जहाँ होली पर गुंडे व बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने जगह जगह चेकिंग प्वाइंट लगाई हुई थी, तभी गढ़ा क्षेत्र के रहने वाले अंशुल तिवारी, जितेंद्र तिवारी बदमाश लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसे समझाइश देना एक आरक्षक को महंगा पड़ गया और गुंडे बदमाश ने पुलिस की ही शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से कर दी। इतना ही नहीं, आरक्षक पुष्पराज की शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन तक कर दी। गढ़ा के एसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 तारीख को करीब शाम 4 बजे की है, जहां अद्यतन अपराधी अंशुल तिवारी और उसका साथी जितेंद्र तिवारी, जो कि गढ़ा थाना क्षेत्र के अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 4 से 5 मामले गढ़ा थाने में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जुआ खिलाने के भी इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। वहीं होली के दिन छोटी बजरिया नाना आटा चक्की के सामने या और इसका साथी हुड़दंग लीला कर रहे थे, जिसे पुलिस ने समझाइश दी, लेकिन ये लोग पुलिस से ही लड़ने लगे और पुलिस की ही शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी कर दी। अपराधियों के इस तरह की हरकत कई सवाल खड़े करती है। क्या पुलिस को अपराधियों को समझाइश देने का अधिकार भी नहीं है? क्या अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह पुलिस की भी शिकायत करने लगे हैं? बहरहाल इस पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार की बहरहाल इस पूरे मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सर, एक शिकायत आई है पुष्पराज द्वारा मस्जिद के मामले में। हाँ, ये 29/3/2021 की घटना है। पुष्पराज हमारा आरक्षक है। वो उस दिन होली के त्योहार के अवसर पर राउंड पे था, जिसमें सूचना मिली थी कि छोटी बजरिया नाना आटा चक्की के सामने में कुछ लड़के शराब के नशे में उत्पात मचा रहे हैं, है ना, आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं और आसपास के लोगों के लिए आपत्ति मतलब परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। तो उस पर हमारे स्टाफ के पुष्पराज और संतलाल के द्वारा राउंड पे गया था। तो इन लोगों को ये अंशुल तिवारी नाम के, अंशुल तिवारी, जितेंद्र तिवारी, तो इनको समझाइश दी गई इनके द्वारा, लेकिन ये उल्टा उसके साथ में गाली गलौज करने लगे और झगड़ा करने लगे। इनका एक्चुअल में अंशुल तिवारी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, है ना, और 4-5 मामले तो होंगे थानागढ़ा में। तो इनका व्यवहार पहले से पूर्व से भी अच्छा नहीं था और जब भी पुलिस इनके पास जाती है तो ये पुलिस से ही झगड़ा करने लगते हैं, उलझने की कोशिश करते हैं। पुराने अपराधी के कौन मामले में हैं? कहीं ना कहीं जुए के फड़के भी कुछ मामले हैं। हाँ, जुए के भी 3 मामले हैं लग करीब। यातन अपराधी हैं इनका, इसलिए उस समय पुष्पराज से उलझ कर और थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए, और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। उनके द्वारा एक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई? देखिए, अब वो तो कोई भी आरोपी होगा सीएम हेल्पलाइन लगा देगा, 181 लगा देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मतलब उसने गलती नहीं की है। उसके पूर्व के भी अपराधी रिकॉर्ड हैं जो सिद्ध करते हैं कि वो उसकी स्वयं की गलती है। अब इसमें पुलिस अगर समझाने जाएगी और उसका उसकी उल्टा आरोप लगा दिया जाएगा पुलिस के ऊपर, तो इसमें पुलिस क्या करेगी? अपराधियों के परिवार में पुलिस का कोई आदमी भी बताया जा रहा है भीड़? समझा नहीं हूँ। बाकी में कोई उनका पदस्थ उनके रिश्तेदार पुलिस में है, उसका भी दबाव बताया गया था वहाँ पे तो पुलिस आरक्षक के द्वारा? नहीं नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।